नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टायर सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, टायर स्टॉक का नाम लेते ही MRF सबसे पहले आता है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस ही इतना हाई है। जैसा कि आपको पता है, इसका शेयर प्राइस इतना हाई क्यों है, क्योंकि MRF ने आज तक एक भी बार स्प्लिट या बोनस नहीं दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बोलूं कि MRF से भी हाई रिटर्न देने वाला टायर सेक्टर का एक स्टॉक है दोस्तों, जिसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10 सालों का 39% का है। यहाँ मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी स्टॉक का जो CAGR 25% के आसपास होता है, तो वो आपके पैसों को 10 सालों में 10 गुना कर देता है कंपाउंडिंग से। तो इस स्टॉक का CAGR 39 का है लास्ट 10 सालों का, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक है कितना अधिक प्रॉफिट अर्न करता होगा। और यदि MRF की बात करें तो 10 सालों का 28% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है CAGR है, जो कि हम जिस स्टॉक की बात करेंगे उससे 10 से 11% कम है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि इतना गजब का स्टॉक ये है कि इसके पास 6000 करोड़ की रिजर्व भी है। अब बात कर लेते हैं 5 करोड़ की। मैंने तो बोल दिया कि इस शेयर से करोड़ों बन सकते हैं, क्या ये सही है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सच है। चलिए देखते हैं कैसे। कंडीशन इसमें एक रहेगी दोस्तों कि आपकी जो SIP है वो 15 से 20 सालों तक कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि आपका पैसा जो होगा वो कंपाउंडिंग से बहुत ज़्यादा बनेगा, ग्रो करेगा आने वाले लास्ट के सालों में। चलिए हम चलते हैं, इसके अंदर देखेंगे कि 5000 की SIP हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, और देखेंगे कि 39% के CAGR के साथ 10 सालों के 15 सालों के बाद देख लेते हैं कि जो हमारा पैसा है वो कितना जो है ग्रो करेगा। दोस्तों, यदि डिपॉजिट अमाउंट की बात करें तो मंथली SIP करेंगे 5000 की। अब हम देख लेते हैं कि जो 15 सालों के बाद जो हमारी अमाउंट आएगी 39% के CAGR के साथ, तो वो होगी दोस्तों 3,58,00,000 के आसपास, जिसमें से 9,00,000 हमने डिपॉजिट किए होंगे SIP के रूप में, और जिसमें से 2,49,00,000 के आसपास हमारा जो टोटल होगा वो प्रॉफिट होगा। दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी अमाउंट आ गई है, 2,58,00,000 टोटल जो होगा हमारा वो वैल्यू होगी जो हमने SIP के रूप में इन्वेस्ट की होगी। इसमें प्रॉफिट भी है, प्लस इसमें हमने जो SIP के पैसे डाले हैं वो भी है। दोस्तों, 2,58,00,000 टोटल अमाउंट हो जाएगी। इसमें मैं आपको बता दूं, यदि आप 15 की जगह 20 साल लोगे तो और भी अमाउंट जो है ज़्यादा आएगी। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं एक और बात कि हमने सिर्फ 5000 की SIP की है 39% के CAGR के साथ 15 सालों तक, तो जो हमारी अमाउंट आएगी वो होगी 2,58,00,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में, देख लेते हैं कि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट है वो क्या है। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट पहला ये है कि क्वार्टर जो रिजल्ट आए इसके बहुत ज़बरदस्त आए हैं। दूसरी, मैं बता दूं ये जो कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है, 29% का डिविडेंड देती है। दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो 8 गुना इसका बुक वैल्यू से ये स्टॉक जो है महंगा हो चुका है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में और ये अच्छा स्टॉक है। इस वजह से जो अच्छा स्टॉक होता है उसका ये जो बुक वैल्यू होता है वो ज़्यादा ही मिलती है दोस्तों, लगभग अच्छे स्टॉक्स की। अब हम चलते हैं क्वार्टर बेस रिजल्ट के ऊपर कि देखें क्वार्टर जो रिजल्ट आए हैं वो कैसे आ रहे हैं लगातार। तो देखेंगे कि अब मैं लेके चलता हूँ सितंबर से लेकर के जून 2021 तक के रिजल्ट। तो आप देखोगे कि सितंबर 2020 की बात करोगे तो 341 करोड़ के प्रॉफिट, फिर 325 करोड़ के, फिर 380 करोड़ के, और लास्ट क्वार्टर में जून 2021 की बात करें तो 331 करोड़ के इसने प्रॉफिट अर्न करके दिए। दोस्तों, अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के ऊपर, जो एक्चुअलिटी दर्शाएगा कि एक ऐसी ये कंपनी है। दोस्तों, तो मैं बात करूँ 2019 की बात करूं तो इस कंपनी ने जो है 774 करोड़ के प्रॉफिट अर्न किए थे, उसके बाद 2020 में 960 करोड़ के, उसके बाद 2021 में 1178 करोड़ के इस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न करके दिए दोस्तों, जो कि अभी तक 1377 करोड़ के हो चुके हैं टिल मंथ तक। अब मैं लेके चलता हूँ CAGR की तरफ कि CAGR इसकी क्या है। तो 10 सालों की बात करोगे तो CAGR इसकी 39% की है, 5 सालों की बात करोगे तो 38% की, 3 साल की बात करोगे तो 39% की, और 1 साल की 69% की CAGR है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिससे आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा दोस्तों आने वाले लास्ट सालों में स्पीड के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ।
अब मैं बता दूं, इस कंपनी के पास जो रिजर्व है उसकी बात कर लेते हैं। इसके पास जो सेविंग में पैसे है वो है दोस्तों 6 करोड़ के आसपास। और दूसरी बात करूँ बोरोइंग की, तो इसने कर्ज ले रखा 1000 करोड़ का, जो कि कभी भी ये चुकता कर सकता है, क्योंकि इसके पास सेविंग में एडवांस में ही 6000 करोड़ के जो है इसके पास रिजर्व में पैसे रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं होल्डिंग की तरफ, देखें कि होल्डिंग किसकी कितनी है दोस्तों। तो प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 58% की प्रमोटर होल्डिंग है, FII की बात करें तो 15% की होल्डिंग है, DII की बात करें तो 12% की, पब्लिक की बात करें तो 13% की पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर की जो 75% की टोटल होल्डिंग होती है वो आने वाले समय में ये जो है टोटल होल्डिंग भी अपने पास रखने वाला है, क्योंकि इसके पास रिजर्व इतने अच्छे हैं, तो आने वाले समय में ये अपनी टोटल होल्डिंग अपनी परचेज कर लेगा दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ कौन से स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसकी बता दूँ, तो वो दोस्तों स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, जो टायर बनाता है दोस्तों। ऑल टाइम की बात करेंगे तो ऑल टाइम में यदि बात करें स्टार्टिंग में तो 115 रुपये का शेयर था 2006 में, जो कि अभी 2511 रुपये के आसपास देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं 6 महीने का रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में 31% के इसने रिटर्न कमा के दिए। 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 65% के रिटर्न कमा के दिए। 5 साल की बात करें तो 400% के ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा के दिए दोस्तों। यदि मैक्सिमम टाइम जब से ये लिस्टिंग हुई तब से लेके आज तक के 2000% के इसने जो है रिटर्न कमा करके दिए हमको। यदि ऑल टाइम हाई की बात करें तो ऑल टाइम ये जो स्टॉक हाई पे गया था वो गया था दोस्तों 2692 रुपये के आसपास। तो ये था आज का स्टॉक, जो कि MRF की जगह पे आप इसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि MRF बहुत ज़्यादा जो है हाई प्राइस पे मिल रहा है। इसकी जगह पे आप बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को भी आप जो है परचेज कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।